हर लक्ष्य स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए आज आपके लिए लाया हूं एक मजेदार वीडियो, एक इंटरेस्टिंग वीडियो। अभी हम लोग चल रहे हैं टेंस पे, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में अफर्मेटिव नेगेटिव बता चुके हैं। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव पे, केस फर्स्ट पे चला बताएंगे आप लोगों को। तो इस वीडियो को देखने से लाइक शेयर कमेंट करना और मेरा चैनल लक्ष्य सेंटर पुरुषों के नाम से वहां पे आप सब्सक्राइब करना ताकि आपको नए वीडियो आसानी से मिल सकेंगे। चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आप लोग वीडियो को ध्यान से वॉच कीजिए ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। चलिए यहाँ पे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस लिखा है। तो अब आज हम चलेंगे केस फर्स्ट पर। तो केस फर्स्ट मेरा क्या कहता है, केस फर्स्ट है जब वाक्य क्या से शुरू हो, जब वाक्य क्या से शुरू, यानी वाक्य जो आरंभ होगा, शुरुआत जो होगी वो होगी क्या से, समझ गया ना। तो उसका स्ट्रक्चर जो होगा यहां पर हम देखिए उसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, यहां पे स्ट्रक्चर लिखते हैं STRUCTURES, इस नहीं स्ट्रक्चर लिखेंगे यहां पे। तो इसमें लगता है हैव हैज हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये दो को क्या कर दोगे, आगे कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे हम सब्जेक्ट को, उसके बाद कर देंगे हम नोट रहता है नोट, उसके बाद करेंगे बीन, उसके बाद करेंगे बी फोर, और उसके बाद करेंगे अगर वाई इंट्रोगेटिव को साइन देंगे। यही मेरा स्ट्रक्चर होता है केस फर्स्ट, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं दो टाइप्स होते हैं, एक होता है जब वाक्य में क्या शुरू होगा, एक होगा जब डब्ल्यू बैच फैमिली होगी, जो पहले भी बता चुके हैं काफी सारे स्ट्रक्चर हो गए, तो वहां से भी आप सीख सकते हो। तो यहां पे देखिए अगर आप नए हो ना तो यहां से भी आप सीख सकते हो। तो हैव हैज सब्जेक्ट नोट बीन जी फुट अदर वर्ड दिए हैं, आप इन्हीं के आधार पर स्ट्रक्चर बदल गए हैं। एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल है, फॉर एग्जांपल की बात करें लिखेंगे क्या मैं दो दिनों से पत्र लिखता आ रहा हूं, लेकिन इसमें लंबा समय का बोध हो रहा है, यानी दो दिन से लिख रहे हो, अभी तक आप लिख ही रहे हो, कार्य यानी आप जारी है, काम खत्म नहीं हुआ है, एक्टिविटीज खत्म नहीं हुई है। तो क्या करेंगे यहां पर, लेकिन क्या लगाए ना, तो यहां पे मैं है, मैं का आई होता है के साथ हम हैव लगाते हैं, तो हैव का प्रयोग करेंगे, तो हैव आई इतना हम दे दिए। उसके बाद हम नोट, इसमें नोट नहीं है, निगेटिव नहीं है, नोट नहीं डालेंगे, इसको डालेंगे हम बीन डाल लेते हैं, बीन आ गया। उसके बाद बिफोर डालेंगे, बिफोर में क्या लिखना ना, डब्ल्यू आर आई टी एन जी राइटिंग हो गया, राइटिंग ए लेटर, इतना तो समझ गए। उसके बाद दो दिनों से यहां पर लगाएंगे हम फोर, सपोर्ट से लिखते हैं फोर टू, इंटरोगेटिव का साइन होगा, फोर टू डेज इंटरोगेटिव साइन। अब क्या मैं दो दिनों से पत्र लिखता आ रहा हूं, तो हैव आई बीन राइटिंग ए लेटर फॉर टू डेज। देन हम जो अभी जो हमने बनाया ये एग्जांपल्स, ये जो बनाए हम इसके आधार बनाएंगे। अगर आप भी नए हो, मुझे नहीं पता कि आपके कहां होगा, तब स्ट्रक्चर को देखेंगे, स्ट्रक्चर के आधार पर हम बनाएंगे। इस प्रकार दो चार बनाने का क्या होगा ना, आप सीख जाओगे, आप ऐसे ढंग सीख जाओगे, आप विदाउट स्ट्रक्चर को भी आप बना सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को गेन करेंगे, स्ट्रक्चर मेरा क्या है उसको बार बार पढ़ेंगे, और स्ट्रक्चर के आधार पर या सामने में स्ट्रक्चर ऐसे रखेंगे और उसी के आधार पर हम ट्रांसलेशन बनाएंगे इंग्लिश में। चलिए आगे बढ़ाते हैं, क्या वह सुबह से, क्या वह सुबह से सोता आ रहा है, इंटरोगेटिव साइन है, क्या वह सुबह से सोता आ रहा है, तो वह का क्या होगा, ही होता है, ही के साथ क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं, हैज के साथ आप क्या दोगे, हैज के साथ आप क्या दोगे, आप हैज के साथ ही देते हैं, ही के साथ हैज लगता है, ही देंगे सब्जेक्ट रूप में, उसको नोट नहीं है, इसमें आप क्या दोगे, बीन दोगे, क्योंकि इसमें आपका नोट नहीं है। और सोना क्या होता है, स्लिप होता है, एस एल डबल ई पी आई एन जी, स्लिपिंग, हैज ही बीन स्लिपिंग, उसके बाद क्या देंगे ना,
सुबह से ना, ये निश्चित है सुबह से सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग आ गया। तो अब मॉर्निंग ना, अब सुबह से आप क्या कर रहे हो ना, सोते आ रहे हो। इसके बाद हम आगे देखते हैं सेंटेंस को, आगे देखते हैं ये क्या आप लोग कई दिनों से इस काम को नहीं करते आ रहे हैं। इंटरोगेटिव का साइन देंगे, यहाँ पे इंटरोगेटिव का साइन होगा, करेंगे यहाँ पे लेंगे यू के साथ हैव लगता है ना, हैव यू, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया नोट, नोट है ना, नोट डालेंगे, उसके बाद बीन डाल लिए, नोट हैव यू बीन नोट। हम लिखेंगे बिफोर में, बिफोर मेरा क्या है, इस काम को नहीं कर सकते, नहीं करते आ रहे हैं, नहीं करते आ रहे हैं, तो करना है डूइंग, डूइंग दिस वर्क, डूइंग दिस, इस काम को नहीं करता है। कितने दिनों से, कई दिनों से, तो फॉर मेनी डेज, फॉर मेनी डेज होगा या सेवरल मेनी डेज होगा, कुछ भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देखते हैं, तो यहाँ पे क्या के लिए क्या आया है, हैव आ गया, हैव के साथ हम क्या लिए हैं, तो साथ सब्जेक्ट बना क्या, यू है यू, नोट नोट था, बी डूइंग दिस वर्क मेनी डेज। इस तरह से हम क्वेश्चन को, यानी इस तरह से एग्जाम्पल्स हम बनाएंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को देखते हुए हम सेंटेंस को क्लियर करते जाएंगे। आगे देखिए लिखा है, क्या क्या वह कई महीनों से समाचार चार पत्र पढ़ते आ रहे हैं। देखिए इतना लंबा सेंटेंस है, अब उतना पैनिक नहीं होना, आप लोगों को उतना घबराना नहीं है, आप सिर्फ क्या करना है आपको, अब देखते हैं। देखिए हमें मुझे कुछ नहीं पता है, तो मुझे तो यह पता क्या लगा, क्या कलम क्या लगाते हैं, हैज, इतना पता है, हैज का प्रयोग क्योंकि मैंने हुआ है ना, हैज ही आ गया। उसके बाद समझते हैं नोट है, इसमें नोट नहीं है, नोट नहीं डालेंगे। नोट का क्या होता है, जो आप लिखा है बीन लिखा, लिखा ना बीन, बीन दे दी। उसके बाद क्या लिखा है, बिफोर, तो पढ़ना कर क्या होता है, रीडिंग होता है, आप जानते ही हैं, आर ई एल टी आई एन जी, रीडिंग हो गया, हैज ही बीन रीडिंग हो गया। अब क्या पढ़ रहे हैं, द न्यूज पेपर, न्यूज पेपर, द न्यूज पेपर कई महीनों से, तो होगा फोर सेवरल डेज, सॉरी सेवरल मंथ, इंट्रोगेटिव का साइन डालोगे, जब भी डाला इंट्रोगेटिव का साइन डाला। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एग्जांपल्स को बनाएंगे, इंग्लिश में हिंदी, हिंदी में इंग्लिश करेंगे आसानी से, क्योंकि मेरे पास है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर को आप देखोगे, स्ट्रक्चर में क्या लिखा है, हैव हैज सब्जेक्ट नोट बीन रिप्लाई द वर्ड, तो सबसे पहले क्या लेंगे, हैव हैज लेंगे, हैव को ये कहता है, सब्जेक्ट नोट लेंगे, उसके बाद नोट रद नोट देंगे, नहीं और नहीं देंगे, उसके बाद बीन कंपलसरी अगर नहीं होगा, और मेरा बिफोर होगा, उसके बाद मेरा अदर वर्ड होगा। अगर आपको स्ट्रक्चर का नॉलेज होगा तो आप बड़े से बड़े सेंटेंस को इजिली चुटकी में आप बना दोगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आराम से देखो, देखने के बाद लाइक शेयर कमेंट करो। धन्यवाद।